दसवीं का साइंस अध्याय दो का पार्ट थर्ड, अम्ल चारक एवं लवण। अब हम यहाँ पर लवण के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इसका अर्थ बता चुकी हूँ कि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं और ये उदासीनी अभिकरण की क्रिया कहलाती है। तो हम देखते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। HCl, NaOH और ये सोडियम क्लोराइड एक लवण है। इस लवण से हम दूसरे अन्य उपयोगी पदार्थ बना सकते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये नमक से NaCl साधारण नमक और पानी की अभिक्रिया से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब ये क्रिया हम करवाते हैं तो इस अभिक्रिया का एक नाम दिया है क्लोर क्षार अभिक्रिया। आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि दो इलेक्ट्रोड हैं, ये एनोड और कैथोड, और यहाँ पर हमने नमक का घोल ये NaCl यहाँ पर डाला गया है, और इनमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये यहाँ पर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। देखेंगे आप, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न हो रही है और क्लोरीन गैस एनोड पर उत्पन्न हो रही है। साथ में जो अन्य उपयोगी पदार्थ हैं वो देखिए, यहाँ से NaOH के साथ यहाँ निकल रहे हैं, और इस प्रकार हाइड्रोजन गैस भी उपयोगी है। ईंधन में इसका उपयोग कर सकते हैं, खाद बनाने में, अमोनिया बनाने में क्लोरीन गैस का भी उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। और यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ उत्पन्न होता है, और आप देखेंगे इसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, साबुन बनाने में, धातुओं से ग्रीस हटाने में, जो चिकनाई होती है उसको हटाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। हम संक्षिप्त में विभिन्न लवणों का अध्ययन करेंगे। पहला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगला है विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, और इसको प्रयोगशाला में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने कर पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये विरंजक चूर्ण CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त होता है, और इसका बहुत उपयोग है वस्त्र उद्योग में, सूती व लिनन के विरंजन में, और पीने वाले जल को भी हम जीवाणु रहित करने में काम आता है। उसके बाद तीसरा लवण है बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी साधारण नमक सोडियम क्लोराइड से तैयार किया जाता है H2O प्लस CO2 अमोनिया NH3। यहाँ बनेंगे दो लवण, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं NaSCO3। ये बेकिंग सोडा, या साधारण भाषा में हम इसको बोलते हैं खाने का सोडा। इसके उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, देखना यहाँ बेकिंग सोडा अलग है और बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल मिला हुआ रहता है, और सोडा अम्ल अग्निशामक में, आग बुझाने वाले यंत्र में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, और एंटासिड दवाई बनाने में भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। अगला लवण है हमारे यहाँ धोने का सोडा Na2CO3.10H2O Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें पानी के 10 अणु जुड़े हुए हैं, इसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को जब पानी से क्रिया करवाते हैं तो पानी के 10 अणु इससे जुड़ जाते हैं और Na2CO3.10H2 हमें प्राप्त होता है। इसके उपयोग कांच, साबुन या घरों में सफाई करने के लिए होता है, और जल की जो स्थायी कठोरता है उसको हम दूर कर सकते हैं। अगला लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम POP भी कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट
हैमी हाइड्रेट H2O, पानी का आधा अणु जुड़ा हुआ है, 1/2, ये पानी का आधा अणु इससे जुड़ा हुआ है। इसको जिप्सम से बनाते हैं, CSO4.2H2O। इसमें पानी के दो अणु हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो पानी का 1.5 अणु निकल जाता है और आधा अणु इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। CaSO4.1/2, ये 1/2 H2O, मतलब हाफ पानी के अणु इसमें जुड़ जाते हैं। और यदि हम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम फिर से पानी मिलाएं तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है और ये कठोर हो जाता है। आपने देखा होगा ना, POP के बहुत सारी वस्तुएं में बनती हैं, खिलौने बनते हैं, और इसको हम दीवारों को चिकना करने के लिए जो पुट्टी करते हैं वो POP ही है। और इसका मेडिसिन में भी उपयोग होता है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पर आया था क्रिस्टलन जल, धोने का सोडा, इसमें पानी के 10 अणु जुड़े हैं। ऐसे और भी यौगिक हैं जिनमें क्रिस्टलन जल जुड़ा हुआ रहता है। तो क्रिस्टलन जल क्या है? लवण के एक सूत्र इकाई में कुछ निश्चित अणु पानी के जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। देखिए यहाँ, जलीय कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें पानी के 5 अणु जुड़े हुए हैं। यदि हम इसको गर्म करते हैं तो ये पानी के 5 अणु क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये पहले नीले रंग का रहता है और जब इसको गर्म करते हैं तो इसका नीला रंग वापस गायब हो जाता है। इस प्रकार अम्ल, क्षार और लवण, हमने इस अध्याय में तीनों के बारे में पढ़ा।